हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस लॉन्च में। आज हम बिहार में पर्यटन टॉपिक को लेके आए हैं, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। देखिए, बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक और सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन और स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है और बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन का उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में पर्यटन का लोगो इम्पॉर्टेंट है कि इसका लोगो क्या है, तो बिहार टूरिज्म बिल्ड्स फुल बिहार। नेक्स्ट है, बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। अब प्रमुख सर्किट एवं उसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, पहले हम देखेंगे बौद्ध सर्किट। कौन सा देखेंगे? बौद्ध सर्किट। बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों में इसमें स्थान दिया गया है। जैसे जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने उपदेश दिए और उनके स्तूप आदि। तो इसमें देखिए, फर्स्ट है महाबोधि मंदिर, कहाँ पे है? तो ये गया में है। कहाँ पे है? गया में। विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में। बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में। सुजातागढ़ स्तूप गया में। अशोक स्तंभ कहाँ पे है? तो ये वैशाली में है। और केसरिया स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। तो बौद्ध सर्किट में कौन कौन से आ गए? महाबोधि मंदिर जो गया में है, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में है, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में है, और सुजातागढ़ का स्तूप गया में है, अशोक स्तंभ वैशाली में है, और केसरिया का स्तूप कहाँ पर है? ये पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट है जैन सर्किट। बिहार में 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान है। और बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो देखिए कि बिहार में जो 12वें तीर्थंकर थे वासुपूज्य और जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में ही हुआ था। अब इसका कौन कौन से पवित्र हैं इसके सर्किट? तो जल मंदिर जो कहाँ पे है? पावापुरी नालंदा में है। जैन मंदिर लछुआरा जमुई में है। जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा में है। और एक जैन मंदिर कहाँ पे है? कुंडग्राम वैशाली में है। नेक्स्ट है रामायण सर्किट। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर और दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं। जैसे सीताकुंड कहाँ पर है? तो ये सीतामढ़ी में है। सिंहेश्वर स्थान कहाँ है? सहरसा में है। वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। अहिल्या का स्थान दरभंगा में है। रामशिला का गया में। और प्रेतशिला ये भी कहाँ पे है? गया में है। नेक्स्ट है सिख सर्किट। बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि रहा है। देखिए, जो 10वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और उनकी जन्मभूमि कहाँ है? बिहार की है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह और 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सिंह ने भी बिहार की यात्रा की थी। इसमें है तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब कहाँ पे है? पटना में है। गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना में है। कंगन घाट ये भी पटना में है। प्रकाश पुंज पटना में है। गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना के अंदर है। गुरुद्वारा बाल लीला ये भी पटना में है। और गुरु नानक कुंड कहाँ पे है? राजगीर में। यानी आपके बाकी सब पटना में है, सिर्फ एक गुरु नानक कुंड कहाँ पे पड़ेगा? ये राजगीर में पड़ेगा। नेक्स्ट है सूफ़ी सर्किट। बिहार की भूमि सूफीवाद के चिश्ती एवं सुहरावर्दी से संबंधित भी रहा है। बिहार में कई सूफी दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? मनेर शरीफ कहाँ पे है? पटना में। अमझर शरीफ औरंगाबाद में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा भी जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो ये सासाराम रोहतास में है। और बड़ी दरगाह नालंदा। नेक्स्ट है इको सर्किट। बिहार प्राकृतिक छटा जैविक विविधता एवं मन भावन पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली के मन भावन दृश्य भी मौजूद हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है।
बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? जहानाबाद में है। घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा में है। कांवड़ झील बेगूसराय में है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये मुंगेर में है। तेलहड़ कुंड कहाँ पे है? कैमूर में है। और ककोलत झरना कहाँ है? ये नवादा में है। ककोलत झरना बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है कि ककोलत झरना कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? आपका नवादा में है। देखिए इम्पॉर्टेंट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सूची में बिहार के दो स्थलों को चिन्हित किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया, ये हुआ था 2002 में। महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में ही हुई थी। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा। नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था और यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, जहां 2014 में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया था।